गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो लास्ट लेसन जो हमने शुरू किया था अपने लास्ट सेशन में, स्टॉक एक्सचेंज। बराबर है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया था उस लास्ट सेशन में। एंड हमने चैप्टर का स्टार्टिंग देखा, उसमें हमने देखा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वगैरह। फिर उसमें दो आंसर और थे, BSE और NSE। बराबर है, हमने वो भी देखा था। सो टिल 12.3 वी हैव कंप्लीटेड। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वील सी दैट इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सो सबसे पहले आता है ब्रोकर। सो आई विल एक्सप्लेन, सिंपल देखना है। ब्रोकर क्या होता है? मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है? स्टॉक एक्सचेंज का। उसके पास लाइसेंस होता है स्टॉक एक्सचेंज से टू बाय और सेल शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। अभी क्लाइंट कौन रहेगा? मैं या तो आप, सपोज लो। एंड ही इज एन एजेंट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड जॉबर। किसके बीच में एजेंट है वो? इन्वेस्टर और जॉबर। जॉबर भी क्या है? अपने आप में एक ब्रोकर जैसा ही है जो करता है फाइन डीलिंग्स, एंड देन वी कैन इजीली गेट थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रोकर। सो जॉबर क्या होता है वो अगले पॉइंट में हम देख रहे हैं। सो इन्वेस्टर तो इतना समझ लीजिए कि जो पर्सन पैसे लगाता है अपने जेब से शेयर्स खरीदने के लिए, पर डायरेक्ट नहीं खरीद सकता बिकॉज उसे किसकी हेल्प चाहिए होती है? ब्रोकर की। नेक्स्ट देखते हैं जॉबर। जॉबर क्या होता है? जॉबर इज अ डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखो, ये मेंबर है, ये डीलर है। वो कैरीज ऑन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन नेम। वो क्या करता है? जॉबर खुद के नाम पे खरीदता है इन हिज सेल्फ नेम। ही बाय सिक्योरिटीज एज एन ओनर एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस। क्या करता है? वो खुद ही खरीदता है और जब अच्छे खासे प्राइस मिले तब वो उसको बेचता है। द प्रॉफिट ही मेक्स इज इसकी क्या हो जाती है? इनकम। और यहाँ पे ब्रोकर जो कमाता है वो आता है कमीशन। ही इज अ प्रोफेशनल स्पेकुलेटर इन स्टॉक एक्सचेंज। स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगाने वाला, जो अंदाज़ा लगाता है ना एक तरीके से, स्पेकुलेटर। He is not permitted to deal with investor directly. ये investor से directly deal नहीं कर सकता। मतलब कैसा होता है? एक link है, एक तरफ investor है, देखिए ऐसा कुछ है, एक तरफ investor, बीच में आता है ये broker, fine, और एक है ये jobber. Jobber directly investor से काम नहीं करा सकता। जॉबर और इन्वेस्टर के बीच में कौन होता है? ब्रोकर। बराबर है। सो आई थिंक यू गॉट इट दिस। ही इज़ अ प्रोफेशनल स्पेकुलेटर, मतलब अंदाज़ा ये खुद ही लगाता है। एंड ही इज़ नॉट परमिटेड टू डील विद इन्वेस्टर डायरेक्टली। तो दो टर्म्स पूरे हो गए, ब्रोकर एंड जॉबर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इसमें क्या आता है। बुल। बुल क्या होता है? बुल एक जानवर, देखा होगा आपने, फाइन। सो पर यहाँ पे इसको एक अलग ही नाम दिया है, दैट इज़ अ तेजी वाला। ए बुल इज अ स्पेकुलेटर, वही अंदाज़ा लगाने वाला, हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर टू बी राइज इन द फ्यूचर एंड बायज द होप विद द होप ऑफ सेलिंग एट अ हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई जो बुल है वो शेयर्स खरीद लेता है और ऐसी उम्मीद लगाता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे। हिज न्यूज़ आर optimistic. Bull's action leads to higher price for securities as there is excess of purchase over sales. इसमें क्या होता है? लेकिन purchase ज़्यादा होता है, sales कम होता है. Got it? So we have completed 3 points. Bull, you got it? Now next is bear. That is मंदी वाला. मंदी वाला कौन होता है? अभी क्या करता है मंदी वाला? Let's see. A bear is a speculator who expect fall in price of a security
हैंस ही सेल्स ही सिक्योरिटी एट अ प्रिवेलिंग प्राइस टू अवॉइड लॉस एट एक्सपेक्ट फर्दर फॉल इन प्राइस. बेयर्स एक्शन लीड्स टू लोअरिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एज देयर इज एन एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर परचेज. मतलब जो बुल में होता था वो इसका उल्टा यहाँ पे होता है. फाइन, यहाँ पे क्या होता है, सेल ज़्यादा होती है, परचेज कम होता है. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक जो इसमें प्राइस नीचे गिरेगा इस बात का अनुमान लगाया जाता है. एंड ही नोज दैट बेयर्स. अभी देखो दो प्रकार के अलग अलग, ऐसे तो देखा जाए शेयर मार्केट में अलग अलग काइंड के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से डीलिंग करवाते हैं. तो बुल एंड बेयर तो ये दो कंसेप्ट हैं. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या कहता है. इस इज कॉल्ड एज अ स्टैग. स्टैग वो टाइप का मेंबर होता है जो नवी इशू की गई सिक्योरिटी कहाँ से खरीद के लाता है, प्राइमरी मार्केट से. अब प्राइमरी मार्केट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी से लाता है. कहाँ से लाता है, डायरेक्ट कंपनी से लाता है. एंड सेल्स देम एट अ हायर प्राइस व्हेन सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अगर किसी कंपनी का नाम उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है देन डेफिनेटली वहाँ पे वो हायर प्राइस में क्या करेगा, उसको बेचेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज लैम डक. सो आई होप सो यू गॉट दिस. स्टैग ऑल्सो, स्टैग वो टाइप का मेंबर होता है जो नवी सिक्योरिटी खरीदता है प्राइमरी मार्केट से और ज़्यादा ऊंचे भाव पे बेचता है उनको जिनका लिस्टेड कहाँ हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में. ओके, नेक्स्ट द लैमडक. लैमडक क्या होता है, ये नया टर्म है, इसके पहले बुक्स में नहीं था, अब आया ये. लैमडक इज़ अ बियर ब्रोकर. बियर मतलब जो पहले से बताया था अभी आया, प्राइस लोअर, हुज एक्सपेक्टेशन हैव गॉन रॉन्ग एंड मेक्स अ लॉस इन इज डीलिंग. In other words, he had expected the price of securities to fall, but instead the price have gone up. मतलब उसने सोचा था कि price नीचे गिरेगा, but ऐसा हुआ नहीं, price अचानक से थोड़ा ऊपर आ गया. बराबर है, ये वो टाइप का broker है जिसको, मतलब वो टाइप का member है जिसको पहले से एक अलग ही concept चलता दिमाग में कि मेरे price नीचे गिरेंगे, मेरे shares के price नीचे आने वाले हैं. बराबर है. सो पर क्या कर देता है वो वेट करता है कि शायद थोड़े प्राइस बढ़ जाए एंड मोमेंट पे बेचने के पहला. द नेक्स्ट इज वोल्फ्स. वोल्फ्स क्या होता है, ये अ वोल्फ इज अ ब्रोकर हु इज अ स्मार्ट स्पेकुलेटर. ये बहुत ही खास शातिर होता है. ही इज टू क्विक जज द ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड ट्रेड्स क्विकली देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट. ओके, जस्ट अ मोमेंट. So Wolf is a broker, smart speculator. He is a quick judge the trends in the market and trades quickly, thereby making profit. क्या करता है वो, बहुत ही स्मार्ट है, मार्केट को बराबर जज करता है और जहाँ भी उसको प्रॉफिट लगे वो वहीं पर जाके ट्रेडिंग करेगा. ये बहुत ही स्मार्टेस्ट लोग होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जो इनका स्पेकुलेशन लेवल बहुत ऊँचा रहता है. बराबर ना, हर कोई इसको नहीं कर पाएगा. So these are some of the smartest people in the stock exchange जो ये काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. नेक्स्ट इज सेटलमेंट. सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट देखते हैं. इट रिफर्स टू द स्क्रिप वाइज, दैट इज सिक्योरिटी वाइज नेटिंग ऑफ ट्रेड्स बाय ब्रोकर आफ्टर ट्रेडिंग पीरियड इज ओवर. फॉर इक्विटी स्पॉट मार्केट इज T+2. T+2 का मतलब क्या होता है, जिस दिन डीलिंग हुई. अभी समझ लो, मान लो आप वो इन्वेस्टर हो, है ना, आपका एक ब्रोकर है, आपने उसको फ़ोन किया, बोला मेरे शेयर्स बेच दे. अब बेचेगा तो पैसा आएगा, आएगा मतलब क्या, तुमको पैसा कभी तक देगा वो, अभी T+2 days, मतलब जिस दिन वो किया वो दिन प्लस दो दिन एक्स्ट्रा अलग से. तो सेटलमेंट तभी होएगा ना, कोई भी चीज़ खरीदो या बेचो तो उसमें T+2 days का गेम आता है. गॉट इट. नेक्स्ट यू विल फाइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, इट इज़ अ नोट गिवन बाय अ ब्रोकर टू हिज क्लाइंट. अभी समझ लो आप वो क्लाइंट हो, तो ब्रोकर जो जो ट्रांजेक्शन्स करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन लाके क्लाइंट को देगा. इट विल बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, इट वेलिडेट्स अ ट्रांजेक्शन. बोथ द ब्रोकर एंड द क्लाइंट विल हैव वन कॉपी ईच इमीजिएटली आफ्टर ट्रांजेक्शन विद इन 24 आवर्स. तो इसको ऐसा समझते हैं, मान लो आप एक बहुत ही बिजी पर्सनैलिटी हो, ठीक है,
अभी क्या होता है, आपको ना शेयर मार्केट में पैसा लगाना है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपने क्या किया, एक ब्रोकर को बोला जाके कि भाई तू मेरे बिहाफ में शेयर्स वगैरह खरीद और बेच। तो ब्रोकर बोलेगा ठीक है, अब उसको नॉलेज है मुझे तो नहीं है, तो जहाँ भी बेस्ट लगेगा, बेनिफिट लगेगा, ब्रोकर क्या कर रहा है अपने हिसाब से शेयर खरीद लेगा और बेच देगा। वो जो भी कुछ करेगा उसकी लिखे डिटेल किसको देगा, क्लाइंट को देगा, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा है ना। तो वॉट एवर डिटेल ही विल प्रोवाइडेड टू मी, फाइन, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। गॉट इट? कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है भी है। नेक्स्ट आता है आपका ये ट्रेडिंग रिंग। द ट्रेडिंग और ऑक्शन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिंग रिंग। दीज डेज देर इज नो ट्रेडिंग रूम एज ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। पहले ये होता था ऑफलाइन, बट अभी ये ऑनलाइन होता है, तो अब कोई ट्रेडिंग रूम है ही नहीं। ट्रेडिंग रिंग बेसिकली सब जानते हैं कि लाइक स्कूल में कैसे बेल बजती है वैसा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब सब जानते हैं कि कंसेप्ट क्या है ये। देन वी हैव दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ दिस इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल विद एक्सेस टू नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मान लो मैं किसी कंपनी की जो जानकारी है वो बता देता हूँ बाहर, वो नहीं बताना चाहिए जो, और उसके हेल्प से मैं पैसे कमा लेता हूँ, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एन इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब एक धोखा देना, कंपनी के फ्रॉड करना, कंपनी की जो बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए वो बाहर जाके बता देना और उस पर पैसे कमाना, इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। गॉट इट? सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दिस डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द सेम ट्रेडिंग डे बिफोर द क्लोज ऑफ मार्केट ऑन दैट डे इज कॉल्ड एज अ डे ट्रेडिंग। मतलब जिस दिन शेयर मार्केट खुला उसी दिन मैंने ट्रेडिंग की, बाइंग किया, और दिन ख़त्म होने से पहले उसी दिन मैंने क्या कर दी, सेलिंग कर दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डे ट्रेडिंग, सेम डे ट्रेडिंग, बराबर है। देन वी हैव दिस सेंसेक्स, ये जो नाम है अपना यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स अ इंडेक्स ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच रिप्रेजेंट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक्स ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनी। सेंसिटिव इंडेक्स कॉल्ड एज अ सेंसेक्स इज मेड अप ऑफ 30 लार्जेस्ट एंड एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक ऑफ लिस्टेड कंपनी। इट वॉज क्रिएटेड इन 1986। इसके अंदर क्या बोला गया है ना, 30 लार्जेस्ट कंपनी एक्टिव होती है और जो जो लिस्टेड है उनको 1986 में ये बना था, बराबर है। नेक्स्ट वी हैव दिस निफ्टी, यहाँ पे दिया है, ये नाम काफ़ी बार टीवी पे आया होगा, सेंसेक्स निफ्टी, तो उसमें 30 होती है, इसमें टोटल मिला के 50 होती है, और 50 के अंदर वो 30 सेंसेक्स की अलग, ये 1996 में बना, समझ में आया। सेंसेक्स में टोटल मिला के 30 लिस्टेड कंपनी है और 1986 में वो बना था, इसका कैसे बोलेंगे, इसमें 50 कंपनी रहती है और 30 कंपनी सेंसेक्स की ही है और 1996 में ये बना था। ओके, देन यू विल फाइंड रैली। रैली क्या होता है? इफ द सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ 14 to 20 ट्रेडिंग सेशन, इट्स कॉल्ड एज अ रैली। अगर मान लो सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है, कम से कम 14 से लेके 20 सेशन तक, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, रैली, कि अभी एक ही दिशा में बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है। देन क्रैश। क्रैश मतलब कुछ नेगेटिव, वी कैन से इफ द सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज क्रैश। बियर्स आर एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब देखो क्रैश मतलब क्या हो रहा है, पूरा मामला नीचे आ रहा है, तो बियर्स इसी से कनेक्टेड है, दैट्स अ बियर। गॉट इट? मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। इट इंडिकेट्स द वर्थ ऑफ द कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपल पता है कि जो उनके शेयर्स हैं उसके प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई होते गए, सो इट इंडिकेट्स द वर्थ ऑफ द कंपनी। इसमें बताता है कि कंपनी का वैल्यू क्या है, फाइन, इनका क्या लेवल आ चुका है, ये पता चलता है इससे। एंड देन वी हैव दिस लास्ट वन इज अ स्टॉप लॉस। इट्स एन इंस्ट्रक्शन
और ऑर्डर गिवन बाय एन इन्वेस्टर टू द ब्रोकर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेज अ सर्टन प्राइस। मतलब क्या होता है, एक लेवल आता है कि जब ब्रोकर को इन्वेस्टर बोलता है कि भाई अब तू मत, अभी रुक जा, अभी काम कर, इस शेयर को बेच दे। क्योंकि पर्टिकुलर लेवल के बाद क्या होता है, अभी जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि वो कोई ऊपर जा रही जा रही जा रही जा रही, तो एक लेवल पे आके रुकेगी, अब वो नीचे गिरेगी। नीचे गिरने से पहले वहीं पे अगर वो इन्वेस्टर ब्रोकर को बोल दे कि भाई इसको बेच दे, तो नुकसान से बच जाएगा। फाइन, सो द इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द इन्वेस्टर व्हेन ही वांटेड टू अवॉइड लॉस व्हेन द प्राइस फॉल बिलो द स्टॉप प्राइस। आया समझ में? स्टॉप प्राइस, स्टॉप लॉस क्या होता है, अपने नुकसान से बचने के लिए इसको बोलेंगे स्टॉप। सो इन दिस सेशन वी हैव सीन 18 पॉइंट्स जो कि बहुत ही काम के हैं आपके। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो आपको शेयर मार्केट बहुत ही आसान पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें सिर्फ इन टर्म्स को ही इसमें डिस्कस किया है। अगले सेशन में वी विल डू द सेबी का जो एक आंसर है इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, फाइन, और इसमें जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो, और पीछे के कुछ जो ये ऑब्जेक्टिव हैं ये हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले सेशन में। ओके, सो आई होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियो। आई एक्सपेक्ट दैट कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, फाइन, बिकॉज बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपको समझ में आएगी और ये बहुत ज़रूरी भी है, इन फ्यूचर ये आपको बहुत डेफिनेटली काम में देगी। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड।